तुम लोगों को पार्ट 44 में हाइट एंड डिस्टेंस शुरू हो रहा है। इससे एक फुल क्वेश्चन सब बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव अलग से दो तीन को रहता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ये तीन बात को ही समझना है। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो कोण जानना है। दृष्टि रेखा के बारे में जानना है, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर कैसे बनता है। फिगर बन गया तो हिसाब बन गया, नहीं बना तो हिसाब नहीं बनेगा। तो फिगर बनेगा तो इन दोनों कोणों की पहचान आवश्यक है, इसीलिए इस तीन पॉइंट को देखो और चित्र को समझो तो हाइट एंड डिस्टेंस आसान है। अगर इसको नहीं समझा तो इसमें बहुत भयंकर कंफ्यूजन होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है, तो हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई। एंड मतलब और, डिस्टेंस मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। सर उसमें सी नहीं रहेगा। ऊंचाई और दूरी, इसका प्रयोग सामान्य जीवन में बहुत होता है। जैसे मान लो किसी सड़क के किनारे, या छोड़ो सड़क को छोड़ो अभी, ये पर्वत है, समझा, ये आकृति पर्वत है, इधर समतल मैदान है। बगैर पर्वत की ऊंचाई मापे, जैसे इसको हम लोग मापेंगे नहीं, और ये पता लगाना है पर्वत की ऊंचाई कितना है, एग्जैक्ट एक सेंटीमीटर का अंतर नहीं आना चाहिए, कैसे निकलेगा, समझा। ऊंचाई यानी किसी भी पिंड की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई और दूरी। अगर कोई पर्वत है तो यह कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये निकालना है। मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये ए बी, बी ए, पर्वत की ऊंचाई होगा जी कितना ऊंचा है। यहाँ पर सी नाम का एक व्यक्ति है, यहाँ से पर्वत से कुछ दूर तो है, ए से लेकर के सी तक की दूरी है ना, तो पर्वत से ये व्यक्ति कितना दूर है। अगर ये चाहेगा इसकी ऊंचाई निकालने के लिए, तो बगैर इसको मापे कैसे पता चलेगा कितनी ऊंचाई है। इसके बाद आ जाओ, मान लेते हैं किसी सड़क पर कोई बिजली का खंभा है, कहता है कि ए बी बिजली का खंभा है, ए बी बिजली का खंभा, इसकी ऊंचाई कितनी है ये निकालना है। या मान लो ये कोई व्यक्ति ही खड़ा है तो कितना ऊंचा है। तो ऊंचाई और दूरी चैप्टर का नाम ही है। या अगर ये बिजली का पोल है, यहाँ पर मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा है, या कोई ऐसा जगह है जिस जगह से ये पता लगाना है, ये ए बी पोल, ये मान लो सी जगह है, सी जगह से ए बी पोल कितना दूर है, ये एसी दूरी के बारे में पता लगाना है, या फिर पोल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बगैर पोल की ऊंचाई को मापे कैसे पता चलेगा ये पोल कितना ऊंचा है। प्लस अगर ए बी कोई पोल है, बिंदु सी पर कोई व्यक्ति है, तो ये बिंदु सी पर खड़ा व्यक्ति पोल से कितना दूर है, बगैर ए से सी तक की दूरी मापे कैसे पता लगाएंगे इस व्यक्ति से पोल की कितनी दूरी है। समझ गया, ये
कैसे निकालेंगे कि ये ऊंचाई और दूरी में सब समझ जाओगे। मान लो ये ए बी एक नदी का किनारा है, सी डी नदी का दूसरा किनारा है, तो ए सी की क्या हो गया, नदी की चौड़ाई हो गया, नदी का एक किनारा ये दूसरा किनारा ये, तो नदी की चौड़ाई ए सी हुआ। ए सी चौड़ाई कैसे निकालेंगे, इसमें किसी भी पिंड की ऊंचाई कैसे ज्ञात की जाती है, अगर कोई पिंड है तो दूसरे पिंड से कितना दूर है, तो यही ऊंचाई निकाली जाती है और दूरी निकाला जाता है। समझ गया। पुनः मान लो ए बी कोई बड़ा मकान है और सी डी कोई छोटा मकान है, तो दो मकानों के बीच की दूरी कितना है, छोटा मकान कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई क्या है, बड़े मकान की ऊंचाई क्या है, बगैर मापे ये सब कैसे निकाला जाएगा, इसी सब का अध्ययन ऊंचाई और दूरी में किया जाता है। अगर हम लोग मान लेते हैं आकाश में ये धरती है, समझ गया, पृथ्वी का सतह, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उड़ रहा है, तो कुछ न कुछ ऊंचाई होगा न जी, ये हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो ये भी पता चल जाता है। तो कैसे पता चलता है, इससे पहले ये तीन बात को जान लो। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, लाइन ऑफ विजन, समझा, दृष्टि रेखा, दृष्टि मतलब देखना, कहता है ना तुम्हारी दृष्टि गड़बड़ हो गई है, आँख है ना, पर्यायवाची होता है आँख का पर्यायवाची दृष्टि, तो सबसे पहले दृष्टि रेखा समझो। चैप्टर में तुम लोग जो पढ़ोगे ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई कहाँ से, तो कोई भी पिंड पृथ्वी के सतह पर खड़ा होगा। अगर मंदिर की ऊंचाई निकालना है तो मंदिर भी लंबवत खड़ा होता है जी, कोई भवन इस तरह से झुका रहता है नहीं रहता है, तो हम लोग पृथ्वी पर किसी भी पिंड को दिखलाएंगे इस चैप्टर में, तो वह पिंड बिल्कुल लंबवत दिखलाएंगे। अगर मकान का चित्र बनाना होगा तो एक सरल रेखा के द्वारा दिखलाएंगे, जो एम एन एक मकान है, अब ये मकान पृथ्वी के साथ कितना कोण बनाएगा, बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में एक चीज याद रखना है, कोई भी हिसाब रहेगा उस हिसाब में जो कुछ भी दिया रहेगा वह पृथ्वी के सतह पर खड़ा हुआ दिखाना पड़ेगा। जैसे देगा सड़क के किनारे बिजली का एक पोल खड़ा है, तो इसका अर्थ मान लो ए बी सड़क मान लो गया, बिजली के पोल ऐसे नहीं ना खड़ा रहता है, बिजली का पोल दिखाना हो इसमें ये नहीं दिया रहेगा लंबवत खड़ा है। पृथ्वी के सतह पर किसी भी पिंड को हम लोग दिखलाएंगे, अगर है वह बिल्कुल सीधा है, अगर एक मकान है तो मकान को भी सरल रेखा के रूप में दिखलाएंगे, एम एन एन एम पृथ्वी
एबी पृथ्वी पर खड़ा है, जो कि एम एम एक मकान है, तो खड़ा दिखाएंगे तो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण दिखाएंगे, फिर रहेगा एम एन मकान से 10 मीटर दूर बिंदु बी पर एक छोटा सा मकान है, इसको भी बिल्कुल सीधा दिखाएंगे और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। समझा, कोई भी हिसाब हाइट एंड डिस्टेंस में बनाओगे इसमें चर्चा होगी, भूमि के सतह पर कोई चीज खड़ा है, एक मकान खड़ा है या दे देगा बहुत बड़ा सा टावर, मीनार खड़ा है, मीनार को भी दिखलाएंगे, लंबवत दिखलाएंगे। पृथ्वी पर मकान हो या मीनार, मीनार मतलब टावर होता है ना, या पर्वत को दिखलाना है या मंदिर को दिखलाना है, कुछ भी पिंड को दिखलाएंगे बिल्कुल लंबवत दिखलाएंगे, क्योंकि अगर मंदिर भी होगा पृथ्वी के सतह पर वह लंबवत होगा और पृथ्वी के सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मान लो एन एम एक पर्वत है तो पर्वत का सबसे ऊपरी भाग पर्वत का शिखर कहलाएगा, तो पर्वत को भी बिल्कुल सीधे दिखाना है लंबवत, और ये पृथ्वी के सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी दिखलाएंगे ऊंचाई के रूप में तो उसे बिल्कुल सीधा खड़ा रखना होगा। समझ गया, कोई भी चित्र बनाएंगे, अब मान लो एन एम एक बिजली का खंभा है और ये खंभा का ऊपरी भाग शिखर कहलाएगा, चाहे खंभा हो या मकान हो या पर्वत हो, समझा, और निचला ये बिंदु एम जो है ये एन सबसे ऊपर वाला भाग है इसको कहेंगे शिखर, और सबसे नीचे वाला भाग को कहेंगे पाद बिंदु, ये एम जो है इसको कहेंगे पाद बिंदु, पाद मतलब पैर, पैर के पास स्थित बिंदु को पाद बिंदु कहेंगे, तो शिखर और पाद बिंदु, समझ गया जी। शिखर और पाद एबी भूमि पर कोई बीसी बिजली का खंभा खड़ा है और यहाँ से कोई व्यक्ति अगर इसके शिखर को देख रहा है, या मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, ये एम एम एक व्यक्ति है जो खड़ा होकर के ये बिजली का खंभा है, ऊपर वाला भाग शिखर, नीचे वाला पाद बिंदु, तो एन एम मनुष्य इस खंभे के शिखर को देख रहा है, तो देखेगा तो आंख उठाकर ऊपर की ओर देखेगा तब न दिखलाई देगा, तो इसका मतलब यहाँ ऊपरी भाग में व्यक्ति का आंख है, सबका आंख तो ऊपरे में न रहता है, यहाँ से अगर इस शिखर को देखेगा, आंख यहाँ पर है और शिखर का शीर्ष यहाँ पर है, आंख को और शीर्ष को मिला दो, एन सी, अगर हम अपनी आंख से किसी ऊंचे वस्तु का शिखर देखते हैं तो आंख को ऊपर की ओर उठाना होगा, तो आंख से शिखर के ऊपरी बिंदु को देख रहे हैं तो आंख से शिखर के ऊपरी बिंदु को मिला दो। ऊपर में मनुष्य का आंख होता है, ये सिर है, पूरा मनुष्य है, ऊपर में उसका आंख होगा, यहाँ से इसको देख रहा है खंभा के शिखर को, तो आंख यानी आंख का हिंदी दृष्टि पर्यायवाची शब्द, तो अपने दृष्टि से आंख से हम जिस बिंदु को देखेंगे उस बिंदु को आंख से मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे। दृष्टि रेखा समझ रहा है जी, ये हो गया तुमको दृष्टि रेखा।
समझा? तो दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या हो गई? किसी भी पिंड के शिखर को देखे या पाद बिंदु को देखे तो आंख से जिस पिंड को देखेंगे, किसी पिंड के जिस बिंदु को देखेंगे, या तो शिखर को देखेंगे या फिर पाद बिंदु को देखेंगे, तो आंख से देखने वाली वस्तु के जिस बिंदु को देखेंगे, आंख से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी। समझे? समझ रही है? चित्र तो तुम लोग उतारना होगा, याद रह जाएगी बात। खाली चित्र इतनी बात उतारो ना। दृष्टि रेखा एक तो और समझ लो, ये तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, जब नीचे से ऊपर की ओर देखें, आंख और जिस पिंड के जिस बिंदु को, शिखर बिंदु को यहाँ देख रहे हैं, आंख और शिखर बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी। चित्र छाप लोगे तो याद रह जाएगी बात। छापो छापो तो इसको उतारो। तो देखो, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो दृष्टि रेखा आंख से लेकर पिंड के पिंड को जिस बिंदु पर देख रहे हैं उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी। जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तब कौन सा होगा दृष्टि रेखा? तो मान लो ये पृथ्वी है और एक निश्चित ऊंचाई पर कैसे हो गया एरोप्लेन, हवाई जहाज, समझा? एक निश्चित ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रही है, कुछ न कुछ ऊंचाई पर उड़ रही है, उसमें आदमी बैठा हुआ है, हवाई जहाज में बैठा हुआ आदमी सड़क के किनारे, ये मान लो सड़क है, और सड़क पर एक पत्थर बी को देख रहा है, ये ऐसे एरोप्लेन, ये हवाई जहाज है, समझा? हवाई जहाज में बैठा हुआ आदमी, हवाई जहाज पृथ्वी के समानांतर चल रहा है क्षैतिज दिशा में, जाता है ना जी? जी। हवाई जहाज ऐसे ऐसे करके नहीं ना चलता है? नहीं। तो ये बिंदु ए पर एक एरोप्लेन है, इसमें बैठा हुआ व्यक्ति सड़क के किनारे स्थित एक पत्थर को देख रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो आंख को ऐसे न करना होगा, ऐसे नहीं न करना होगा। जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए तो आंख से लेकर के वस्तु को जो देख रहे हैं जिस पॉइंट पर, वो आंख से लेकर के वस्तु के उस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी। जब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, मान लो ऊपर से नीचे की ओर अगर हम लोग देखते हैं, ऐसे देखेंगे ना, तो एरोप्लेन में स्थित, एरोप्लेन में जो व्यक्ति है वह सड़क के किनारे रखे हुए
एक पत्थर के टुकड़ा को देख रहा है तो नीचे की ओर देखेगा, तो आँख से देखो पत्थर को देख रहा है, तो आँख से जिस वस्तु को देख रहा है इसको मिलाने वाली सरल रेखा ये है। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा दृष्टि रेखा, समझा? इसको समझा जी, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखें और ऊपर से नीचे की ओर देखें, दो तरह की स्थिति होगी, या तो नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तब आँख से किसी पिंड के जिस बिंदु को देख रहे हैं उस बिंदु को मिला दो, वही कहलाएगा दृष्टि रेखा। अगर नीचे से ऊपर की ओर देखे या ऊपर से नीचे की ओर देखे, दोनों स्थिति में आँख से वस्तु को जिसको देख रहे हैं उसको मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी। दृष्टि रेखा समझ गया? इस चित्र को भी उतारो। दृष्टि रेखा तू लोग समझ गया? अब उन्नयन कौन, अब नयन कौन, एक ही बार में समझ जाओगे। चलो देखो बोर्ड पर, ये दोनों कोण है, तो एक चीज गौर करो, ये अ है जी, तो अ, ये उ, पहले अ आता है तो उ आता है, अ आता है ना, तो पहले अ आता है इसका मतलब पहले ऊपर तब नीचे, और पहले आता है तो ऊपर लिखेंगे और ऊ आता है नीचे, अ के बाद ऊ आता है, याद रखना अ के बाद ऊ आता है, तो ऊपर ऊ नीचे, यानी अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा पृथ्वी से ऊपर। देखो ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई हम लोग पृथ्वी के सतह से ही ना मापेंगे कोई भी ऊंचाई, तो जब ये ऊंचाई की बात आएगी तो ऊंचाई में एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ऊपर वाला कोण हमेशा अ पहले ऊ बाद में, अवनमन कोण ऊपर बनेगा, उन्नयन कोण नीचे बनेगा, दोनों है क्या चीज। तो देखो मान लो ये ए बी सड़क है, यहाँ बिजली का एक पोल है एम एन, तो नीचे से जब हम ऊपर की ओर देखेंगे, समझ गया, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, मान लो ए से पोल के शिखर M को देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर यहां से देखेंगे ऊपर की ओर, ये हो गया दृष्टि रेखा।
इसको क्या कहेंगे? इसको बेस दोनों कोण में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आसान है। एक बात याद रखना, अ पहले उ बाद में, इसका अर्थ है अवनमन कोण ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है। तो अगर नीचे से ऊपर की ओर ये बिजली का खंभा है, खंभे के शीर्ष को हम बिंदु ए से देख रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा। तो ये दृष्टि रेखा देखो, एक्स एक्सिस पृथ्वी के समानांतर है और ये वाई एक्सिस सीधे ऊपर की ओर है। तो पृथ्वी के समानांतर रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, याद करो ग्राफ जो बतलाए थे। और पृथ्वी के लंबवत सीधे ऊपर की ओर इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं ना। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का सतह है, तो इसको क्षैतिज रेखा ये हो गया, थोड़ा सा उठा रहे या पृथ्वी ही ये है सतह, ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, नहीं हुआ। तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ ये कोण, मान लो कुछ लोग कुछ कोण बना रहा है, मान लेते हैं ये अल्फा कोण बन रहा है, तो ये नीचे में कोण बन रहा है। तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ पृथ्वी के सतह के साथ जो भी कोण बनाएगा उसको उन्नयन कोण कहेंगे। दृष्टि रेखा पृथ्वी के सतह के साथ या पृथ्वी के सतह के समानांतर दृष्टि रेखा जितना कोण बनाएगा वही कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। जैसे ए बी हो गया पृथ्वी, भूमि, भूमि का क्षैतिज सतह है, या पृथ्वी का सतह कहो। दृष्टि रेखा भूमि के सतह के साथ जो कोण बनाएगा उसको कहेंगे उन्नयन कोण, समझ गया। दूसरी स्थिति, मान लो ये ए बी भूमि है, ये चिमनी है, चिमनी एक भट्टी का चिमनी कहो या किसी फैक्ट्री का धुआं निकालने वाला। चिमनी को देखने के लिए एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एसपी नाम का व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो ऊपर में ना आंख रहेगा, तो यहाँ से इस चिमनी, ये चिमनी है, बी हो गया शिखर, सी हो गया पाद बिंदु, एस टी हो गया आदमी, आदमी के ऊपरी भाग में नाक होगा। तो ये यहाँ से इस शिखर को देख रहा है, तो शिखर को मिलाएंगे, तो आँख से किसी भी पिंड के जिस बिंदु को हम लोग देखते हैं, तो आँख और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी। जी, ये हो गया दृष्टि रेखा। अब बोलो तो ये दृष्टि रेखा कोई कौन बना रहा है? अभी नहीं बना रहा है। अगर हम इस आदमी के यहाँ से शीर्ष से, आदमी का ऊपरी भाग शीर्ष हुआ,
किसी भी जैसे ये मार्कर ऐसे है, ऊपरी भाग ये शीर्ष कहलाएगा, नीचे वाला भाग पाद बिंदु है ना। तो इस आदमी का शीर्ष बिंदु पर ना आंख होगा, तो आंख पिंड के किसी पिंड के जिस बिंदु को देखेगा, तो आंख और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो दृष्टि रेखा पृथ्वी के समानांतर यहाँ शीर्ष से एक रेखा की दूर, ये तीसरी रेखा खींचे, ये क्षैतिज रेखा है, पृथ्वी के समानांतर रेखा को क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। अगर ये कोण अल्फा है, ये अल्फा हो गया उन्नयन कोण। यहाँ पर अल्फा हो गया उन्नयन कोण। समझा, उन्नयन कोण को समझो, इसका अर्थ है उन्नयन कोण हमेशा नीचे की ओर बनता है। कहोगे ऊपर की ओर क्या कैसे बनता है, तू भी बता रहे हैं उन्नयन कोण। देखो पृथ्वी के सतह के साथ दृष्टि रेखा जो कोण बनाएगा वह कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और किसी टावर को देख रहा है या किसी ऊंची वस्तु को देख रहा है, तो ऊंची वस्तु के जिस बिंदु को देख रहा है ऊंची बिंदु को ये सॉरी किसी पिंड के शिखर को अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, तो इस तरह बनने वाला दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ कोई कोण बनाएगा, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। इसके बाद अवनमन कोण ऊपर बनेगा। तो इसमें ध्यान ये रखो, उन्नयन कोण या तो भूमि की सतह के साथ बनाएगा कौन दृष्टि रेखा, या सतह से थोड़ा ऊपर। अगर आदमी खड़ा है
तो ऊपर यहाँ से न देखने का काम शुरू करेगा इस शिखर, इस पिंड के इस शिखर को। तो ये भी अल्फा कोण जो उन्नयन कोण हुआ, ये भी नीचे है, ऊपर कैसे होता है तो अब अवनमन कोण समझो। Thank you.
बात को लिखो तो देखो अवनमन कोण यह कोण हमेशा ऊपर की ओर बनेगा। पहली बात तो ये याद रखना है उन्नयन कोण हमेशा नीचे की ओर बनेगा, तो यह कोण हमेशा ऊपर की ओर बनेगा। अवनमन कोण कब? जब किसी बिंदु को हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, समझा ना? ऐसी स्थिति में जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, ऐसी स्थिति में दृष्टि रेखा ऊपर से नीचे की ओर आती है। चित्र देखो, मान लो ये ए बी पृथ्वी है, यहाँ पर एक हवाई जहाज जा रहा है, इसमें बैठा आदमी यहाँ पर एक एस से स्टोन यानी पत्थर को देख रहा है, तो यहाँ से ये नीचे की ओर देख रहा है ना जी, तो दृष्टि रेखा ऊपर से नीचे की ओर आती है। यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से दृष्टि रेखा नीचे की ओर खींचेंगे, बोलो खींचेंगे कि नहीं? जैसे इसे पहले उदाहरण में बतलाए, ये कोई चिमनी है, यहाँ से तू देखोगे तो यहाँ से दृष्टि रेखा ऊपर की ओर जा रही है, ये दृष्टि रेखा देखो नीचे की ओर आ रही है, है ना? जब दृष्टि रेखा ऊपर की ओर जाए तो दृष्टि रेखा भूमि की सतह के साथ जो कोण बनाएगा, थीटा बनाएगा, ये होगा उन्नयन कोण यानी नीचे की ओर बनेगा। यहाँ पर प्लेन में आदमी बैठा है और ये प्लेन पृथ्वी के समानांतर मान लो जा रही है, क्षैतिज रेखा में जा रही है। किसी समय प्लेन में बैठा व्यक्ति सड़क पर या पृथ्वी पर रखे हुए पत्थर को देख रहा है, स्टोन को, यहाँ से देखता है तो दृष्टि नीचे की ओर जा रही है, तो यह कोण हमेशा ऊपर की ओर बनेगा। पंक्ति पर ध्यान दो, जब किसी बिंदु को हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पत्थर को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में दृष्टि रेखा ऊपर से नीचे की ओर आती है। ये दृष्टि रेखा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और जिस बिंदु से दृष्टि रेखा शुरू होती है, इस बिंदु से शुरू हो रहा है ना दृष्टि रेखा, जिस बिंदु से शुरू होती है उस बिंदु से पृथ्वी के समानांतर एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। इस बिंदु से दृष्टि रेखा शुरू हो रही है तो ये पृथ्वी के समानांतर एक क्षैतिज रेखा खींचो, समझा? उस बिंदु से पृथ्वी के समानांतर एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, जो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के साथ कोण बनाती है। ये जो क्षैतिज रेखा खींचे हैं, ये हो गया दृष्टि रेखा, हुआ ना? उस बिंदु से पृथ्वी के समानांतर एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, जो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के साथ कोण बनाती है, वही कोण अवनमन कोण कहलाती है। अब ये क्षैतिज रेखा इस दृष्टि रेखा के साथ ये कोण अल्फा बना रही है, अरे इधर जा रहा है, यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है स्टोन को, तो आँख से लेकर के जिस वस्तु को देखा जा रहा है उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा। कोण इधर ना बन जाएगा, आंख इस तरह रहेगा तो कोण इधर बन जाएगा। तो क्या कह रहा है तुम लोग, समझ रही है? ऐसे जा रहे हो तो आंख देखो, तो जैसे हम तुम्ही को देख रहे हैं तो आंख नीचे की ओर की ऐसे देख रहे हैं, नहीं ना? अब देखो फिर समझो, हम तुमको देख रहे हैं तो यहाँ से एक हमारी दृष्टि रेखा यहाँ से गुजरेगी, तुम तक जाएगी, तो ये हो गया दृष्टि रेखा नीचे की ओर जा रही है। अब ऐसे उठा करके पर्वत के शिखर के को देखो या पोल को, तो आँख ये हुआ ना जी?
तो यहाँ से दृष्टि रेखा ऊपर की ओर जाएगी तो हम पृथ्वी पर हैं, तो आँख से लेकर के एक समानांतर रेखा खींचो और ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो मान लो ये समानांतर रेखा खींचे ऐसे दृष्टि जा रही है, तो समानांतर रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। अगर हम प्लेन पर बैठे हैं या छत पर खड़ा हो, छत पर खड़ा हो और नीचे में मान लो कोई साइकिल सवार जा रहा है, तो ऐसे नहीं ना देखेंगे, अब तो नीचे देखेंगे जी। नीचे देखेंगे तो जिस पिंड को नीचे में देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा यहाँ से शुरू होगी, होगी ना, छत पर हैं और पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींचो और दृष्टि रेखा ऐसे जा रही है तो बीच में ये कौन बन रहा है, ये हवाई जहाज जा रहा है बाई से दाई ओर, इसमें जो आदमी बैठा है तो बैठा है तो इसको कब देखेगा, ऊपर की ओर देखने पर नहीं ये दिखाई देगा, ये ए बी भूमि पर है जी। यहाँ प्लेन में बैठा आदमी जब नीचे की ओर देखता है तो उसकी दृष्टि नीचे की ओर जा रही है, यानी दृष्टि रेखा नीचे की ओर जा रही है। ऐसी स्थिति में दृष्टि रेखा अब जहाँ पर आदमी है तो पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींच दो, ये क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में देखो ये कौन बन रहा है, तो बन रहा है ना। अब ये हवाई जहाज है तो कितना ऊपर है, तो चलो इसको यहाँ से ऊंचाई कितना है, तो ये ऊंचाई लंब होता है ये 90 डिग्री हुआ, अब बदलाओ तो अवनमन कोण, यह कोण हमेशा ऊपर की ओर बनेगा, ये अल्फा कोण हो गया अवनमन कोण, ये नीचे में तो ये कोण बन रहा है ना, ये ऊपर की ओर जो बन रहा है तो यही हो गया अवनमन कोण। बोलो समझ रहे हो, ऊपर की ओर बनाना, ये नीचे में भी कोण बन रहा है लेकिन अवनमन कोण, यह कोण हमेशा ऊपर की ओर बनेगा जब किसी पिंड को हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो दृष्टि रेखा कैसे बनेगा, समझ गया। चूंकि ऊपर की ओर जहां से देख रहे हैं उस बिंदु से पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींचो, क्षैतिज रेखा, ऐसी स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाएगा। जो देखो ऊपर की ओर बना, नीचे में तो ये कोण बन रहा है, तो अवनमन कोण ऊपर बनेगा, उन्नयन कोण नीचे। और भी उदाहरण देते हैं, समझ जाओगे तो इस चित्र को भी छाप लो, इसको लिख लिया। मुख्य बात क्या याद रखोगे, अवनमन कोण ऊपर की ओर बनेगा, उन्नयन कोण नीचे की ओर बनेगा, इस पंक्ति को ही याद रखना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
चलो इसको समझो। उदाहरण एक, भूमि पर स्थित एक पत्थर बिजली खंभे के शिखर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो मान लो ये ए बी भूमि है, बिजली का खंभा, तो जब भी बिजली का खंभा हो या मकान हो या पर्वत शिखर हो या मंदिर हो या कुछ भी हो, इसको जब हम लोग दिखलाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, तो बिल्कुल सीधे एक सरल रेखा के द्वारा, खंभा होगा तो पर भी लंबा खड़ा होगा जी, पर्वत होगा तो पर भी लंबवत खड़ा होगा, मकान होगा तो पर भी लंबवत खड़ा होगा। तो भूमि पर स्थित एक पत्थर, माना कि ए बी भूमि पर कोई पत्थर स्टोन एस यहाँ पर है और एक ये बिजली का खंभा है, एम एन बिजली का खंभा है, एन इसका शिखर हुआ। तो भूमि पर स्थित एक पत्थर, ये हो गया पत्थर एस, भूमि पर स्थित एक पत्थर बिजली खंभे के, ये हो गया बिजली खंभा के शिखर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, तो किसके साथ कौन बना रहा है, कौन बना रहा है और किसके साथ बना रहा है, दोनों को मिला दो, ये पत्थर बना रहा है किसके साथ, ये शिखर के साथ, तो दोनों को मिला देंगे, शिखर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण, जब ये उन्नयन कोण दे तब ये उन्नयन कोण नीचे बनता है, तो ये हो गया तुमको 30 डिग्री, ये पत्थर ये शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, मिला दो ये 30 डिग्री, ये हो गया उन्नयन कोण, नीचे बना जी। फिर समझो उदाहरण दो, दूसरा उदाहरण, वही बिजली का खंभा है भूमि पर रखा, वही पत्थर है, लेकिन अब कह रहा है बिजली खंभे का शिखर भूमि पर स्थित एक पत्थर के साथ 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है, कौन बना रहा है, बिजली खंभे का शिखर, तो बिजली का खंभा भी पृथ्वी पर होगा और पत्थर भी पृथ्वी पर होगा, तो भूमि का चित्र बिल्कुल सीधा एक सरल रेखा के द्वारा दिखलाओ। मान लो ये एक सरल रेखा एम एन भूमि है, इस पर एक पत्थर एस रखा हुआ है टुकड़ा एस के स्टोन, और ये बिजली का खंभा है टी क्यू, तीर का निशान ऊपर में दे दिए, तो इसका मतलब ये सिर्फ क्या शिखर है, बिजली खंभे का शिखर यानी क्यू शिखर है, भूमि पर स्थित एक पत्थर, पत्थर एक हो गया के साथ 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है, कौन बना रहा है,
तो शिखर बना रहा है किसके साथ, तो पत्थर के साथ बनाने वाला जहाँ बना रहा है दोनों को मिला दो, हर एक हिसाब में यही करना होगा। तो शिखर बना रहा है पृथ्वी पर स्थित पत्थर के साथ, तो दोनों को मिला दो। अब ध्यान दो कौन सा कौन बना रहा है, उन्नयन की अवनमन, अवनमन कौन बना रहा है, तो ये ऊपर बनेगा। जब ये ऊपर बनेगा तो हमेशा याद रखो जो ऊपर में बनेगा तो पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींचो। ये कौन हो गया तुमको थीटा, ये अवनमन कौन होगा। देखो ये ऊपर बना, नीचे में तो ये बन ही रहा है, तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर बन रहा है। यहाँ ये उन्नयन कोण है, ये नीचे बना, तो जो बना रहा है जहाँ बना रहा है दोनों को मिला दो। अवनमन कोण रहेगा तो ऊपर में पृथ्वी के समानांतर जो बना रहा है वहाँ से पृथ्वी के समानांतर रेखा खींच दो तो ऊपर बनेगा। और इसमें था नीचे बनेगा, उन्नयन कौन था तो नीचे दिखलाएंगे, अवनमन ऊपर, समझ रहे हो। चलो चित्र को उतारते जाओ। सिर्फ उदाहरण देखते जाओ, सब कुछ समझ जाओगे। तीन चार उदाहरण देंगे, इसके बाद अगले पार्ट से हिसाब बतलाएंगे। पहले अवनमन कौन और उन्नयन कौन कैसे कैसे बनेगा उस पर खाली उदाहरण देखो। जिस समय हम लिख रहे होते हैं तू लोग भी साथ लिखो ना तेजी से। जितना ही लिखा है उतना ही पर रोको, समझो बाद में लिखो। 20 मीटर ऊंचा मकान 10 मीटर दूर स्थित, अरे लिखने का काम बंद करो ना। 20 मीटर ऊंचा मकान, तो ये मकान हवा में तो नहीं होगा, समुद्र में भी नहीं होगा, पृथ्वी पर ही होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो कुछ भी देखोगे रे याती चू बोर्ड पर देखो, साइलेंट में है ना, बीस मीटर ऊंचा मकान है तो सबसे पहले मकान का चित्र बनाओ। तो मकान को सीधा दिखलाएंगे कि टेढ़ा, हमेशा सीधा दिखलाएंगे। और मकान कहाँ होगा, पृथ्वी पर होगा। तो पृथ्वी का सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे, मान लो ए बी पृथ्वी है। अब 20 मीटर ऊंचा मकान है तो मान लो यहीं पर 20 मीटर ऊंचा मकान बनाते हैं, ए सी।
एसी हो गया 20 मीटर, ये हो गया मकान 20 मीटर ऊंचा, मकान 10 मीटर दूर स्थित, यानी इससे 10 मीटर दूर है। तो मान लो यहाँ डी बिंदु पर एक दूसरा मकान है, कितना मीटर ऊंचा है? 10 मीटर दूर स्थित 15 मीटर ऊंचा मकान है, तो 15 मीटर यह 20 मीटर तो छोटा होगा ना। ये डी ई ये 15 मीटर का मकान है ऊंचा, दोनों के बीच में दूरी कितना है? 10 मीटर, ये 10 मीटर दूरी है। चित्र समझ रहे हो? 20 मीटर ऊंचा मकान ए बी भूमि पर, ए बी भूमि पर 20 मीटर ए सी ऊंचा मकान है, उससे 10 मीटर दूर डी ई मकान 15 मीटर ऊंचा है 10 मीटर दूर, तो ए सी से 10 मीटर दूर डी ई मकान है जो 15 मीटर ऊंचा है। तो अब देखो, 20 मीटर ऊंचा मकान 10 मीटर दूर स्थित, 15 मीटर ऊंचे मकान के शीर्ष या शिखर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, यानी ये बड़ा मकान जो है छोटे मकान के शिखर के साथ 20 मीटर ऊंचे मकान का शिखर ये 20 मीटर ऊंचे मकान का शिखर सी हुआ, 10 मीटर दूर स्थित 15 मीटर ऊंचे मकान के शीर्ष या शिखर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, यानी ये 20 मीटर का ऊंचा मकान 10 मीटर दूर स्थित 15 मीटर छोटे मकान के शीर्ष के साथ, शीर्ष तो एक ही होगा ना, इसके साथ कितना का उन्नयन कोण बना रहा है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो कौन बना रहा है? बड़े मकान का शिखर किसके साथ बना रहा है? छोटे मकान के शिखर के साथ। तो दोनों को मिला डॉट डॉट। अब देखो, उन्नयन कोण बना रहा है, तो उन्नयन कोण कैसे बनेगा? ये तो नीचे में बनेगा, तो नीचे में बनेगा पृथ्वी के समानांतर, यहाँ बना रहा है ना, जहाँ बना रहा है पृथ्वी के समानांतर उस बिंदु से एक समानांतर रेखा खींचू, तो ये कोण हो गया 30 डिग्री का। इसको L मान लो, तो CEL कोण CEL बराबर 30 डिग्री, ये हो गया बराबर उन्नयन कोण। समझ गया? यहीं पर एक मिनट के लिए मान लो, यहाँ उन्नयन नहीं दे करके अगर मान लो अवनमन दे दे, अवनमन कोण तो ये तो ऊपर बनता है, तब कैसे चित्र होगा? तब चित्र होगा, सब डाटा ये है, 20 मीटर ऊंचा मकान है 15 मीटर, 10 मीटर दूर स्थित 15 मीटर का मकान है, तो चित्र तो यही बनेगा, बनेगा जी। ये हो गया 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये हो गया 15 मीटर। बड़े मकान का शिखर छोटे मकान के शिखर के साथ अगर उन्नयन कोण नहीं बनाकर अवनमन कोण बनावे, तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर की ओर बनता है ना, तो कौन बना रहा है? बड़े मकान का शिखर कहाँ बना रहा है? तो छोटे मकान के शिखर के साथ। कौन कोण? तो अवनमन कोण। अवनमन कोण जो बना रहा है ये बना रहा है बड़े मकान का शिखर, तो पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींचो, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो जाएगा अवनमन कोण। ये देखो ऊपर में बना, यानी इसके समानांतर, ये नीचे में बना, तो जब ऊंचाई दिया हुआ हो ना, तो उन्नयन कोण जहां बनेगा
उस बिंदु से पृथ्वी के समानांतर रेखा खींच दो और अवनमन कोण जो बनाएगा सबसे ऊपर वाला शीर्ष जो बनाएगा वहां से पृथ्वी के समानांतर खींच दो। तो देखो ये अवनमन कोण है तो ऊपर बना, इसको मिलाए हैं तब न ये नीचे में बना है। हाँ तो ये चित्र इस हिसाब का है, यहाँ पर उन्नयन यही फिर लिखना है, ये उन्नयन पर आधारित है। ऐसे चित्र होगा, चित्र को ही समझना, हिसाब में ये सब आ रहा है, इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस में इसको अच्छा से समझते जाओ। उदाहरण के द्वारा ही ये हम क्लियर कर देंगे, तब हिसाब में लगेगा कोई दम नहीं है। महाराज जी समझा, चलो उतारो। इसी में आपको ये भी लिख, यही चीज लिख करके समझे, लंदे अपने यही चीज लिख करके आप यहाँ कर दो अवनमन कोण, सब कुछ यही रहेगा ताकि दोनों कोण में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगला उदाहरण लिख करके तब समझो। 20 मीटर ऊंचा मकान, तो ये 20 मीटर हुआ। 20 मीटर ऊंचे मकान का शिखर 10 मीटर दूर स्थित, 10 मीटर दूर है। 15 मीटर ऊंचे मकान, ये 15 मीटर का ऊंचा मकान है, ये शीर्ष या शिखर के साथ 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। इसका मतलब 20 मीटर के ऊंचे मकान का शिखर 10 मीटर दूर स्थित 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर के साथ कौन सा कोण बनाता है अवनमन कोण, 30 डिग्री का अवनमन कोण तो कौन बनाता है, तो बड़े मकान का शिखर बनाने वाला है। बड़े मकान का शिखर बनाता कहाँ है, छोटे मकान के शिखर पर बनाने वाला, जहाँ बनाता है दोनों को मिला देंगे सरल रेखा से, उसी सरल रेखा से। और अवनमन कोण बनाता है, तो अवनमन कोण कौन है बनाने वाला, तो बड़े मकान का शिखर, तो बड़े मकान के शिखर से पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। तो अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, तो ये कोण हो गया अवनमन कोण 30 डिग्री। समझे इसको, उसको समझ में आ रहा है ना, अवनमन और उन्नयन कोण कहाँ कहाँ बनेगा जी। एक ऊपर बनेगा दूसरे नीचे, नीचे। और जब ये ऊपर बनेगा तो ऊपरी बिंदु से पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींच लेंगे। उन्नयन कोण ऊंचाई वाला होना, तो एक बड़ा रहेगा एक छोटा, तो ऊंचाई वाला रहेगा जहाँ बनेगा वहीं से एक समानांतर रेखा पृथ्वी के समानांतर खींच लेंगे। चलो इस चित्र को भी छापो और उदाहरण देते हैं।
टीवी टावर का शीर्ष या शिखर एक मकान के पाद बिंदु के साथ 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। यहीं तक पहले समझो, एक टीवी टावर है वह कहाँ होगा? जो कुछ होगा पृथ्वी पर, तो हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी हिसाब बनाओगे, भूमि का चित्र या पृथ्वी का चित्र एक सरल रेखा के द्वारा दिखाना होगा। तो मान लो ये भूमि है, ए बी भूमि, यहाँ पर टीवी टावर है एक, ए सी एक टीवी टावर है, और कुछ दूर स्थित एक मान लो ये मकान है बी ई, ऐसे तीर का निशान दे दिए, इसका मतलब ये शिखर हो गया। तो एक ये हो गया टीवी टावर, ये हो गया तुमको मकान, एक टीवी टावर का शीर्ष यानी ये शीर्ष हुआ ना सी, एक मकान के पाद बिंदु के साथ 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। कौन बनाता है? टीवी टावर का शिखर या शीर्ष कहाँ बनाता है? तो मकान के पाद बिंदु के साथ। तो शीर्ष टीवी शीर्ष को, टावर के शीर्ष को बना रहा है मकान के पाद बिंदु डी के साथ, तो दोनों को मिला देंगे, जहाँ बनाने वाला और जहाँ बनाता है, हमेशा याद रखो दोनों को मिलाएंगे, कौन बनाने वाला शिखर हो या पाद बिंदु, जहाँ बनावे वहाँ सरल रेखा से मिला दो दोनों को, तो शिखर मिलाता है ये टीवी टावर का शिखर मकान के पाद बिंदु पर बनाता है, तो दोनों को मिला देंगे। कौन सा कौन बनाता है? अवनमन कौन? ये शिखर बनाता है, तो शिखर से पृथ्वी के समानांतर खींच देंगे एक रेखा, अवनमन कौन हमेशा ऊपर बनेगा, यानी ये हो गया अवनमन कौन, कितना 60 डिग्री, ये हो गया अवनमन। अब आगे, जबकि मकान का शिखर, तो मकान तो डी है, शिखर ई हुआ, टीवी टावर के पाद बिंदु के साथ 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। मकान का शिखर ई, टीवी टावर का पाद बिंदु ये है, तो ये शिखर मकान का शिखर कहाँ बनाता है? पाद बिंदु ए के साथ। तो बनाने वाला जो बनाता है, जहाँ बनाता है वहाँ दोनों को मिला दो, इसको मिला देंगे, तो कौन कौन बनाता है? उन्नयन कौन? उन्नयन कौन नीचे होगा, तो ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया उन्नयन कौन। चित्र को खाली समझते जानो, हिसाब तो तुरंत बनेगा, समझा इस चित्र को, तो इसको तो लोग उतार लो, कुछ और उदाहरण देंगे।